नमस्कार दोस्तों, टीएसपी देवघर में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक और बम्पर वैकेंसी आ चुकी है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईसीआर की तरफ से, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से बम्पर वैकेंसी है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, 10th ITI फ्रेशर, अगर आप 10th पास हैं तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ITI किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्रेशर हैं, आपको कुछ नहीं आता, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इस टोटल 641 पदों पे है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। एज क्या है, सैलरी क्या होगी, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया है, इसमें आपको कितना फी लगने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल TSP देवघर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से पूरी की पूरी वैकेंसी है ICAR की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डेट्स अगर बात करें अप्लाई करने का, तो 18 दिसंबर 2000 को ये स्टार्ट हो चुका है अप्लाइंग करने का, और लास्ट डेट फॉर अप्लाई का है 10 जनवरी 2022। जी हाँ दोस्तों, 10 जनवरी 2022 को लास्ट डेट है। दोस्तों, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कीजिए। लास्ट डेट इसको टाइम है फी पेमेंट करने का 10 जनवरी 2022 में। तो दो नंबर में आते हैं दोस्तों इसके वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो इसके टोटल 641 पदों पर वैकेंसी है, जो कि एक बम्पर वैकेंसी है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या आएगा, मेट्रिकुलेशन पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड। दोस्तों, आप 10th पास, जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी बोर्ड से आप 10th पास हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ITI भी किए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और आप फ्रेशर हैं तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट क्या एज लिमिट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम 30 साल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 18 मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 साल है। तो स्क्रॉलिंग कर लेते हैं। स्क्रॉलिंग करने के बाद यहाँ पे आते हैं 7 नंबर पर एप्लीकेशन फ़ी डिटेल। दोस्तों, अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी डिटेल में बाएँ तो एक नंबर में UR OBC NCL के लिए एग्जामिनेशन फ़ी दिया गया है 700 रुपया और रजिस्ट्रेशन फ़ी 300 रुपया, मतलब टोटल 1000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, मतलब इसका टोटल 1000 रुपया उसका आपका फ़ी लगने वाला है। और दूसरे नंबर पर बात करें तो वोमेन का कास्ट सर्टिफिकेट का SC ST का, जो कि 300 रुपया लगने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसको, आप इसमें अप्लाई कैसे करना है। स्क्रॉलिंग करने के बाद यहाँ पर हम आ चुके हैं हाउ टू अप्लाई। दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैंडिडेट सेटिस्फाइड योर एलिजिबिलिटी कंडीशन। दोस्तों, आप अप्लाई के लिए यहाँ दिया गया है इसका वेबसाइट, आप इस वेबसाइट में जाके इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना अनिवार्य है। जब आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तभी आपके सारे सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों, मैं इसका नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, मैं इसका टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर इसके रिलेटेड कुछ भी अगर जानकारी आती है तो सबसे पहले मैं वहाँ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल TSP देवघर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।